मुंबई में आज से बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आज से मुंबई ट्रैफिक पुलिस दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। इस संबंध में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था। इसी के तहत आज 9 जून से मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज से यातायात अधिकारी प्रत्येक जंक्शन और सड़क पर मोटरसाइकिलों पर सवार बिना हेलमेट के दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य हो गया है। ई चलान के जरिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों पर नकेल कसने के लिए करीब 50 ट्रैफिक पुलिस चौकियां हाई अलर्ट पर रहेंगी। मुंबई में भी मोटरसाइकिल और स्कूटर पर सवार लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात पुलिस ने 25 मई को यह आदेश जारी किया था। अनिवार्य होने के बावजूद अधिकांश बाइक चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। पुलिस ने एक अधिसूचना में कहा कि हेलमेट न पहनने के कारण सड़क हादसों में घायल और मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट में 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट पहनना बाइक चालक और उसके पीछे बैठने वालों के हित में है। हालांकि पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट पहनने से छूट है। इस बीच देश भर के कई शहरों में बाइक चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। कई जगहों पर 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। खबरों का सहनशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।